एक और डॉट बॉल। अंधाधुन बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त अल सफर के बल्लेबाजों द्वारा, एक और डॉट बॉल। अब तक 4 गेंदें लगातार बीट की है अमजद शेख ने सतनाम को, बस बल्ला घुमा रहे हैं, गेंद विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। लग रहा है कि सिर्फ 2 लोग खेल रहे इस वक्त बीच मैदान में, गेंदबाज अमजद और विकेट कीपर शुमैल। एक और गेंद, 5 गेंदे डॉट। क्या अमजद शेख मेडन ओवर करेंगे? पिछले मुकाबले में अली ने 5 गेंदें डॉट की थी, लेकिन आखिरी गेंद फुल टॉस कर बैठे और 1 रन ले लिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। अमजद आखिरी गेंद इस ओवर की और मेडन ओवर। तो अमजद शेख इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज बने जिन्होंने मेडन ओवर किया। और ये देखिए पब्लिक डिमांड, इफ्तिखार अंसारी आते हुए गेंदबाजी करने। कमेंट्री तो बहुत ही लाजवाब करते हैं, देखना गेंदबाजी किस तरह की करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं वो, क्रिकेट के लिए भी अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उनका कमेंट्री में बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है जिसके कारण वो खेल नहीं पाते। आ जाए गेंदबाजी को, चेयर अप होता हुआ। ये देखिए दो दो स्लिप मौजूद है उनके लिए। पहली गेंद पटकी हुई, और मैदान 6 रन। इफ्तिखार अंसारी बहुत समय बाद गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, ये देखिए कमबैक इफ्तिखार अंसारी द्वारा। और समय के बाद गेंदबाजी को आए थे। कोई भी खिलाड़ी अगर समय बाद क्रिकेट में वापसी करे तो पहली गेंद से अपनी लय को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरी गेंद पर कमबैक किया वहां पर इफ्तिखार अंसारी ने। फिर से अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले पर उतनी अच्छी आई नहीं, गेंद के पीछे जाते हुए रोहन, और 2 रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। अभी भी जीत के लिए बहुत ज्यादा रन चाहिए और गेंदे बची है केवल 3। बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेग स्टंप के बाहर थी, बाल बाल बच गए बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। वाइट बॉल। एक बार फिर से इफ्तिखार अंसारी, अच्छा खासा हराना पा इनका भी। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा स्ट्रोक खेला है, वहां पर फैजान मौजूद थे, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। खतरा, और रन आउट कर दिया वहां पर इफ्तिखार अंसारी ने। पहला रन आउट करते हुए इफ्तिखार अंसारी अपनी गेंदबाजी में तो सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन रन आउट के जरिए एक विकेट लिया है इस वक्त इफ्तिखार अंसारी ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इफ्तिखार अंसारी, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आला दर्जे के गेंदबाज होंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गति से बीट हुए बल्लेबाज, अच्छी नहीं आई बल्ले पर, केवल 1 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी इफ्तिखार अंसारी द्वारा। तो आखिरी गेंद, और ये देखिए पूरे सारे खिलाड़ी सर्कल में, और यहां पर अपील सवाल, लेकिन सहमति नहीं, और रन आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है भिवंडी टाइगर ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन भिवंडी टाइगर, शुमेल सुसे, मयूर पाटिल, इफ्तिखार अंसारी, ऑल टीम, एंड हार्ड लक अल सफर स्पोर्ट। तो आज के दिन की सारे मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, अब हम आपसे मिलेंगे कल।
आइए लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस वक्त, जिनकी गेंदबाजी आज पूरे दिन ही बहुत ही बेमिसाल चली, वो है भिवंडी टाइगर के सबसे बड़े टाइगर गेंदबाज अली। अली आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। दो ओवर में केवल 3 रन खर्च किए, 3 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए अली ने। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही डैशिंग डायनामिक पर्सनैलिटी हमजा उर्फ लारा, बहुत ही खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ, और साथ ही साथ मौजूद हैं नौशाद खान के बड़े भाई इरशाद खान। ये भी बहुत मेहनत की इन्होंने इस स्पर्धा को कामयाब बनाने में। सबसे पहले इरशाद खान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है, इस भी ट्रॉफी की देन। उसके बाद हमजा देंगे राशिद अंसारी की देन बॉटल, और फिर से मैं कहूंगा इरशाद खान को के तुफैल अंसारी अलहरमैन बेकरी के प्रोप्राइटर, इनकी देन ये ट्रॉफी आपके दस्त मुबारक से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के दिन का खेल समाप्त हो चुका है इस भी ट्रॉफी का। हम आपसे कल फिर सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, अल्लाह हाफिज।